सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो जनरल टर्म भी है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है, यह है मास्टरबेशन। मास्टरबेशन क्या होती है? जैसे कि हम जानते हैं कि सेक्स एक बॉडी का एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। जब कोई दो अपोजिट बॉडी, जब दो अपोजिट जेंडर जब आपस में मीट करते हैं तो उसके वजह से एक बॉडी में एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम सेक्स बोलते हैं। इसमें क्या होती है कि इसमें दो कंडीशन, मेल के लिए अलग इसमें कुछ कंडीशन है, फीमेल के लिए अलग कंडीशन होती है। इसमें हम लोग पहले आज हम डील कर रहे हैं मेल के बारे में। सेक्स दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल सेक्स, एक होता है आर्टिफिशियल सेक्स। नेचुरल सेक्स जो होती है उसमें नेचुरल में दो बॉडी मीट होने से डेवलप होती है। आर्टिफिशियल सेक्स जो होती है वह एक इमेज बनाने के बाद वह डेवलप होती है। तो इसके बारे में जब गौर करते हैं कि होता क्या है, तो जिस समय जब हम इमेज भी बनाते हैं तो इस मास्टरबेशन में क्या होती है कि इमेज बनाने के बाद आर्टिफिशियल सेक्स कराते हैं इसमें लोग। अब सेक्स में क्या होता है कि बॉडी में हमारे कुछ हार्मोन निकलते हैं, जो हार्मोन हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट होती है, जिस हार्मोन के कारण हमारे मसल्स, बोन, ज्वाइंट, स्किन, न्यूरॉन्स, जीआईटी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हर सिस्टम उससे क्या होता है कि सर्विसिंग होता है और उसमें स्टिमुलेट होते रहते हैं। जिसमें कि जब सबसे पहले जब कंटेक्ट जब होती है सेक्सुअल कंटेक्ट, उस समय डोपामिन बनता है। डोपामिन क्या करता है कि यह एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को इरेक्ट करता है और यहाँ से बल्बर उथर ग्लैंड से फ्लूड का सिंथेसिस करता है। यह कंडीशन उस समय सिंथेसिस होता रहता है। डोपामिन जब और बढ़ता है उस कंडीशन में यहाँ पर फ्लूड का सिंथेसिस होता है जिसको सेमिनल फ्लूड कहते हैं। यहाँ से प्रोस्टेट सिंथेसिस होने लगती है और ब्रेन से ऑक्सीटोसिन बनने लगता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यहाँ पर कंटेक्शन स्टार्ट करने लगता है और उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। नॉरएपिनेफ्रिन को बोला जाता है इंडोक्राइनल हार्मोन्स, सेरोटोनिन को बोलते हैं हम लोग नॉन इंडोक्राइनल हार्मोन्स, जिसको हम लोग न्यूरोमॉड्यूलेटर सबस्टांस बोलते हैं। ये दोनों क्या करता है, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन इस डक्ट को कंटेक्ट करता है और यहाँ से ये सीमेन बाहर निकलता है। यहाँ पर जो सीमेन निकलता है यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स, स्पर्मेटोजो और प्रोस्टेट ग्लैंड तीनों मिला के यहाँ फ्लूड बनता है और जिसके बाद यहाँ से फ्लूड बाहर निकलती है। इसको हम लोग बोलते हैं सीमेन इजाकुलेशन और इस कंडीशन से मास्टरबेशन पूरा हो जाता है। हार्मोन जो होता है वह हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन होते हैं उसमें इमेज को रिप्लेस कर देता है और उसके बाद एक नॉर्मली यह हमारा बॉडी नॉर्मल हो जाता है। अब क्या होता है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए ये 3-4 डेज के अंतराल में होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा होने पर हानिकारक हो सकता है। हाँ, इतना में क्या होता है यह हमारे बॉडी के लिए इतना में बेनिफिट होती है, इतना में हानिकारक नहीं होती है। हाँ, हानिकारक कब होती है, जब 3-4 डेज के अंदर में दो बार, तीन बार या पर डे अगर बाई दी अगर मास्टरबेशन होती है तब दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में डोपामिन के साथ साथ एपिनेफ्रिन बनना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। एपिनेफ्रिन क्या करता है कि हमारे न्यूरॉन्स के लिए हानिकारक होने लगते हैं, डोपामिन हमारे जीआईटी के लिए हानिकारक होने लगते हैं जिसमें कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम होने लगता है, मसल्स में हानि होने लगता है जिससे मसल्स लॉस होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है। न्यूरॉन्स के लिए हानिकारक होने लगता है जिसमें सिनेप्स में वो फंक्शन एक्टिविटी को बंद करता है जिसके कारण बहुत सारे याददाश्त कमजोर होने लगते हैं, मेमोरी पावर घटने लगते हैं और इस तरह से बॉडी में कई ऐसे डिजॉर्डर्स डेवलप होने लगता है। और एक समय ऐसा होता है कि गुनाड से गैमेट बनना भी बंद हो जाता है डोपामिन के कारण, यहाँ से इरेक्टेशन प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसलिए क्या होता है कि ओवर मास्टरबेशन से भी हानिकारक होता है। हाँ, इसके लिए अब निदान क्या होता है, जब अगर दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे कि अगर ओवर मास्टरबेशन से क्या क्या दिक्कत हो सकती है और क्या हम लोग उससे हम लोग मेडिसिन ले सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।